सवाल हमने पूछा, क्या पंजाब पुलिस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री के रूट के बारे में प्रदर्शनकारियों को बताया? क्योंकि ये सुरजीत सिंह फूल ने कहा है, जो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष हैं। 65% यानी 65% लोग कहते हैं कि पंजाब पुलिस ने जानबूझकर पीएम के रूट के बारे में लीक किया प्रदर्शनकारियों को, और 35% लोग कहते हैं कि नहीं, पंजाब पुलिस कसूरवार नहीं है, उन्होंने कुछ लीक नहीं किया। बहुत अहम सवाल था ये, और 65% लोग समझते हैं कि जी ये लीक किया गया इंफॉर्मेशन। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा जो हमने दर्शकों से कहा था कि हमने देश की राय जानी, चूंकि घटना पंजाब की इसलिए हमने पंजाब की भी राय जानी, और पंजाब के लोगों से स्पेसिफिकली जब हमने पंजाब के लोगों से पूछा कि सुरक्षा चूक में किसकी गलती मानते हैं, पंजाब के लोग कह रहे हैं 35% पंजाब सरकार को, पंजाब पुलिस को 20% और एसपीजी को 45%, यानी खुद पंजाब के लोग भी नाविका जी 55%। लेकिन 45% लोग समझते हैं कि एसपीजी नहीं। का आंकड़ा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी अगर आप मेजोरिटी में देखेंगे 55% सरकार या पुलिस को मान रहे हैं, पंजाब के लोग भी। बिल्कुल, और यही सवाल हमने, क्योंकि इस पे राजनीति ये चल रही है कि आप दूसरे स्टेट्स का चुनाव जीतना चाहते हैं पंजाब का ड्रामा करके, तो हमने उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछा ये सवाल, और उत्तर प्रदेश में हमने यूपी के लोग सुरक्षा चूक में किसकी गलती मानते हैं, पंजाब सरकार 52%, 28% लोग समझते हैं कि पंजाब पुलिस, यानी कि 80% लोग समझते हैं या तो पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस, और 20% लोग समझते हैं एसपीजी। तो 80% लोगों का कहना है कि ये गलती जो थी पंजाब सरकार। इसमें देखिए मैम, नाविका जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जब हम चर्चा करते हैं कि ये नौटंकी चल रही है या एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है या एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आप पंजाब के अंदर उठा के देखिए, पंजाब भी मान रही है गलती हुई है, यूपी के अंदर उठा के देखिए, यूपी भी मान रहा है कि गलती हुई है पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस से। आप अगर इस सेंटिमेंट को नहीं समझिएगा नाविका जी, तो पॉलिटिक्स में गलती होगी। मैं तो समझती हूँ, आप कांग्रेस के अंदर भी अगर एक सर्वे कर लें तो शायद 65% लोग कहेंगे कि गलती हुई है। नाविका जी, मनीष तिवारी कह रहे हैं, वहां के होम मिनिस्टर कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, सोनिया गांधी रिपोर्ट मांग रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो लग रहा होगा कि कुछ तो गलत हुआ। गलती अगर नहीं हुई तो फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया आशुतोष जी, ये भी एक सवाल बनता है। मैं आपसे सवाल का जवाब दे दूं? बिल्कुल। पहली बात, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, लेकिन अगर इस पैनल में कोई एसपीजी का पूर्व डीजी होता, उससे बात करते तो शायद बात बेहतर होती। अब राजीव प्रताप रूडी जी पायलट हैं, भारतीय जनता पार्टी में किनारे किनारे पर बैठे हुए हैं, इसलिए पर्सनल टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र करनी चाहिए उनको टिप्पणी। महत्वपूर्ण सवाल ये, जो फिर दोबारा दोहराता हूं, तो पायलट भी नहीं है। और वो ये सवाल है कि प्रधानमंत्री के कारवा को 2 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए, अगर रुका है तो उसके लिए एसपीजी जिम्मेदार है, उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और अगर ठीक से अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो एसपीजी के डायरेक्टर को सैक भी करना पड़ेगा, ये मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पे। चलिए, तो इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं, जो भी एसपीजी की ब्लू बुक जानते हैं, एसपीजी प्रधानमंत्री को जो क्लोज सिक्योरिटी देनी होती है उसके लिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सिक्योरिटी देनी होती है उसके लिए जिम्मेदारी होती है, बाकी उस ब्लू बुक में क्लियरली मेंशनड है कि पीएम जिस राज्य में जाएंगे वहां की पुलिस उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। आपने खुद कहा कि 2.5 किलोमीटर आगे एक गाड़ी चलती है या एक बाइक चलती है, उस बाइक और गाड़ी पर कौन चलता है? आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने बिल्कुल सुनी सर। नहीं, आपने नहीं सुनी, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैंने शुरुआत में यह कहा कि रास्ते को क्लियर करने की जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की थी, लिहाजा डीजीपी पंजाब को अपने पद से सैक किया जाना चाहिए। माइंड माई वर्ड्स, अगर वो क्लियर नहीं कर पाए, अगर उनके बस का क्लियरेंस देना नहीं था, सिक्योरिटी क्लियरेंस देना नहीं था, उन्होंने क्यों कहा कि हम सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे? चलिए, डीजीपी पंजाब तो सैक होने चाहिए, यहां तक तो हमारी गाड़ी पहुंची है, लेकिन शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं एक और पत्रकार की भी राय जान लूं। आशुतोष जी, आपकी राय जानी है, शेखर अय्यर जी को भी बोलने दे। डीजीपी पंजाब को एसपीजी डायरेक्टर दोनों सैक हो चुके हैं आशुतोष जी के द्वारा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ,
कोई भी डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या ये कदम उठा सकता है इतनी लापरवाही का बिना पॉलिटिकल डायरेक्शन के? और डायरेक्शन के लिए कुछ लिखित में तो आपको भी पता है नहीं जाता, आप मुझसे ज्यादा पत्रकारिता कर चुके हैं, आंखों ही आंखों में कई इशारे होते हैं। तो शेखर अय्यर जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या कोई भी आला अफसर किसी भी स्टेट का इस तरह की कोताही बरत सकता है, जबकि आईपीएस रिपोर्ट करती है एमएचए को और इंडियन पुलिस सर्विस के नुमाइंदे होते हैं जो डीजीपी होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही होगी या नहीं? अविका जी, बिल्कुल बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, कम से कम इशारा तो जरूर होगा, नहीं तो इस तरह की हरकतें कभी नहीं होती, क्योंकि घटना केवल वो पर्टिकुलर घटना नहीं है, शुरू से लेकर जिस तरह डीजीपी जो रिएक्शन रही है, चीफ सेक्रेटरी ना उपस्थित रहना, और उसके बाद जब एसपीजी कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है, एमएचएस से कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है, तब भी जिस तरह की वहां से जो रेस्पॉन्स रहे थे, उससे लगता है कि क्योंकि ये सबसे बड़ी सवाल है कि कैसे डीजीपी ने एसपीजी को कहा कि रास्ता क्लियर है, इसका मतलब सिस्टम से मैसेज आया कि रास्ता क्लियर है, जब डेढ़ घंटा से पहले वहां पे जाम लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये बड़ा क्लियर है कि, और देखिए ज्यादा आपको मतलब पब्लिक परसेप्शन जो है वो कांग्रेस लीडर की परसेप्शन, जो बात रविका जी आप कुछ देर पर कह ले, सुनील जाकर जैसे नेता जो चेयरमैन है पंजाब कांग्रेस कैबिनेट कमेटी के चीफ, जो भूतपूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के अंदर कई नेता क्या कह रहे हैं, भाई राजनीति करने के अनेक मुद्दे होते हैं, ये थोड़ी राजनीति है,